नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पहाड़ों पर हुई बारिश और बैराज से छोड़े हुए पानी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचा रखी है। स्थानीय लोगों से लेकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी आफत से इस वक्त रायबरेली भी अछूती नहीं रही है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारी प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब रायबरेली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी का पानी अब गांवों तक पहुंच गया है और कटरी क्षेत्र के गांव नदी के पानी से घिर गए हैं। वहीं लोगों पर इस वक्त पलायन का संकट उत्पन्न हो गया है। एक हजार बीघा धान आदि की फसल बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जहां भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारे की फसल डूबने से मवेशियों को खाने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहीं तहसील प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी महज कागजों तक ही सीमित रह गई है। इससे लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन्हीं सब हालातों पर प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया। पहाड़ों पर हुई बारिश और बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी ने यहाँ पे जलमऊ घाट की गंगा के तट पर कोहराम मचा दिया है। अचानक आए हुए पानी से हजारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं और किसान के साथ साथ मवेशी भी एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। हमारे साथ इसी गांव के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम मध्यप्रात पूरे रामपक से रहने वाले हैं। ये जो पानी आया है सर, ये तो पानी आज हमारे मतलब 50-52 साल की उम्र हो गई, पहली बार यहाँ इतनी बाढ़ इतनी टाइम आई है। वैसे सावन भादो आती थी लेकिन इतनी टाइम कभी नहीं आई, और लेकिन इतनी टाइम हमारे लोगों की फसल बहुत ही नुकसान हुआ। फसल का किन किन फसलों का नुकसान? जैसे सरसों लाहा बोया गया है और धान की फसल खड़ी थी पकी, वो भी डूब रही है। और क्या कहते हैं, लहसुन प्याज और अन्य तरह की चीज़ें लोग बोए थे, हम लोग भी बोए थे, सारा बुढ़ डूब गया है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या हम लोग कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है? कोई उच्च अधिकारी अभी तक आया? नहीं नहीं कोई नहीं। अभी सुबह में मतलब 11-12 बजे कोई ब्लॉक से BDO वगैरह कोई आया था यहाँ। हाँ, ये कोई औरत भी साथ में थी, और अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। अभी तक जिला प्रशासन से इनको कोई भी मदद नहीं मिली है। हमारे साथ एक ग्रामीण और हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम शेर बहादुर है, राम बगसपुर में रहते हैं। क्या ये जो अचानक पानी आया इससे क्या क्या क्या, क्या दिक्कतें हुई हैं? ये बहुत दिक्कतें हुई, इससे फसल भी डूब गई है, सरसों बीजे थे वो भी डूब गए हैं, और लहसुन प्याज भी डूब गए हैं, घरों में भी पानी बढ़ गया है। ऐसा सुनने में आया कि यहाँ 3-4 मगरमच्छ भी आए हैं। हाँ, नवरात्र से मगरमच्छ भी हैं, 3-4 हैं, दिखाई देते हैं, रोज हम लोग देखते हैं। इसकी सूचना किसी विभाग को या वन विभाग को? वन विभाग को दी गई है जी, कोई आया नहीं है देखने। कोई भी सुध लेने वाला नहीं है इन ग्रामीणों को। और आपको बताते चले कि हम जिस गांव में चकमलिक भीटी में खड़े हैं, यहां से गंगा का तट कम से कम 9 किलोमीटर दूर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 9 किलोमीटर दूर जब गंगा ने इतनी तबाही मचाई है तो और नज़दीकी क्षेत्रों का कितना बुरा हाल होगा। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए अभी तक इस गाँव में नहीं आया है। बता दें कि पहाड़ों पर हुई बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से रायबरेली में गंगा नदी का पानी चेतावनी बिंदु 98.360 मीटर को पार कर गया था।
वहीं नदी का जल स्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यदि गंगा का पानी इसी वेग से बढ़ता चला गया तो जल्द ही नदी खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। पहाड़ों पर हुई बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद यहां रायबरेली जिले के डलमऊ घाट पर गंगा ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हम इस समय यहां पर कम से कम डलमऊ के गंगा घाट से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, यहां पर ये जो पानी भरा है, यहां पर प्याज और परवल की फसल उगी हुई थी, जहाँ पर किसानों की पूरी फसल पानी में डूब गई है और किसान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस गांव में नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले प्राइम टीवी की टीम नाव पर बैठकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रही है। कैमरामैन पहुंच गए, प्राइम टीवी की टीम पहुंच गई, लेकिन जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, लेखपाल अभी तक इस गाँव में कोई नहीं आया है और यहाँ के किसान दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। आपको एक चीज़ और बताते चले कि किसान के साथ साथ मवेशी भी यहाँ पर दाने दाने के मोहताज है। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? हम अभिषेक तिवारी, गांव सभा जमाल नगर मोहद्दीनपुर। ये जो ये पानी अचानक आया है, इससे क्या दिक्कतें हुई हैं? इससे बहुत बड़ी दिक्कतें हो गई हैं यहाँ पर, कि हमारे यहाँ सभी किसानों की बहुत फसलें उगी थी, परवर की थी और प्याज था, धान थे और ये सब भी प्रकार की फसलें थी, वो सभी जल करके नष्ट हो गई हैं। लोग बाग में झुग्गी झोपड़ी बना करके यहाँ पर रह रहे थे और वो अपनी फसल की रखवाली कर रहे थे, लेकिन सब फसल बर्बाद हो चुकी है। आप ये बताइए कि जिला प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ तक आया अभी तक? यहाँ तक तो किसी ने मुआयना नहीं किया है। आज सुबह सुबह जिला अधिकारी SDM साहब जो है रोड से मुआयना करके गए हैं, लेकिन यहाँ तक किसानों की सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं। कितने लोग यहाँ इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं? बाढ़ से हमारे 3 गाँव पूरी तरह प्रभावित हैं, 3 गाँव पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसमें से 10 से 12 परिवार ऐसे हैं जिनको अपना आशियाना रोड पे बनाना पड़ा। कितने लोग, संख्या कितनी होगी जो लोग प्रभावित हुए हैं? अरे 3 गांव की जनसंख्या कल 1200-1500 के आसपास। कम से कम 1.5 से 2 हज़ार आदमी इस बाढ़ से प्रभावित है और किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है, आज वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस गाँव में नहीं आया है। डलमऊ तहसील के कटरी क्षेत्र के बबुरा, जमाल नगर, मोहद्दीन नगर, जहांगीराबाद, पूरे रेवती सिंह, चकमलिक भीटी आदि गांव तक बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीण इस वक्त गांव से पलायन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की और उनका हाल जाना। घर में हमारा है जो कुरिया भर गई है पानी से, तो हम स्कूल में आए हैं प्रधान लोग से हाथ जोड़ के। बाढ़ से पलवार में तो 8-10 आदमी है, खाना पीना ऐसे ले के खाएगा पिएगा के उसे खा करे, अब मिले तो ठीक है। यहाँ फसल काफी डूब गई है, कुछ लोग बाहर के रहते थे जंगल, उनको भी दिक्कत हो गई, उनको लाकर यहाँ बताया गया है पंचायत में, जूनियर हाई स्कूल गेटी में। फसल का लगभग 60-70% के बीच में, अभी तो हम किया है, देखो शासन प्रशासन जो करेगा तो करेगा, अभी कुछ नहीं किया। अचानक आई आफत से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी मदद इन इलाकों में नहीं पहुंचाई गई है। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के कारण आसपास क्षेत्र में लगभग 1000 बीघा धान समेत अन्य फसलें पूरी तरह से डूब चुकी है। आबादी क्षेत्र में नदी का पानी घुस चुका है।
वहीं जब प्राइम टीवी के संवाददाता हालातों का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त हमारे संवाददाता की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो अचानक आए पानी की वजह से फंसे हुए थे, जिसे हमारे संवाददाता ओम शंकर ने नाव के सहारे बाहर निकाला। बढ़ते जलस्तर से इस कदर ग्रामीण परेशान है कि वो आज जो है अपनी इसी झोपड़ी में फंसे हुए थे। प्राइम टीवी की टीम जो है वो रिपोर्टिंग करने के साथ साथ नाव के द्वारा इन बुजुर्ग आदमियों की को भी बाहर निकालने के लिए आज आगे आई है। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग आदमी कम से कम 3 से 4 घंटों से यहीं पर फंसे हुए थे और जो है इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग आदमी है, ये सब्जी लेने आए थे और यहीं पर फंस चुके हैं। लेकिन प्राइम टीवी की टीम रिपोर्टिंग करते समय जैसे ही इनके ऊपर नजर पड़ी, इस बुजुर्ग आदमी को पकड़कर बाहर निकाला और नाव में बैठाकर ले जा रहे हैं अपने साथ। कैमरामैन सैलन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। आपने देखा किस तरह से बाढ़ अपना कहर बरपा रही है और इस मौसम में भी किस तरह से उत्तर प्रदेश जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।